नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 30 अक्टूबर शनिवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आरके डेवलपर्स। पाए कम कीमत पर मकान, जहां होगी छत और जमीन आपकी। इस त्योहार पूरा कीजिए अपने घर का सपना। ऋषि नगर क्षेत्र में सरकारी जमीन के फर्जी दस्तावेज सबमिट कर मल्टी स्टोरी तानने के मामले का खुलासा होने के बाद अब चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। इस क्षेत्र की 1,00,000 स्क्वायर फीट सरकारी जमीन लोगों ने बेच खाई है। नजूल जमीन के दस्तावेज खंगालने पर यह बात सामने आई है। दरअसल सर्वे नंबर 749/753 की जमीन रिकॉर्ड में गोइला खुर्द गाँव में सरकारी गौठान के तौर पर दर्ज है। ये जमीन करीब 1,00,000 स्क्वायर फीट है। इस जमीन को ही धीरे धीरे कर बेचा जाता रहा। दरअसल जमीन से सटा कमल विला है। इसके मालिक मनमोहन सेठी ने पहले बगीचे के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया, फिर इस जमीन को ठिकाने लगाने की शुरुआत की। कमल विला से सटी सरकारी जमीन का धीरे धीरे वह सौदा करते चले गए। इसी सर्वे की जमीन ओम प्रकाश खत्री और राहुल तेजनकर को बेची गई। ओम प्रकाश खत्री ने कुछ समय पहले ही 10 करोड़ में यह जमीन डॉक्टर के एन तिवारी को सेल कर दी। इसी तरह राहुल तेजनकर ने जमीन महेश पलोड़ को बेच दी। इस तरह सरकारी जमीन एक दूसरे को बेची जाती रही और रजिस्ट्रार ऑफिस भी इसकी रजिस्ट्री करता रहा। अब हाल ये है कि पड़ताल में सारा कच्चा चिट्ठा खुल रहा है। चूंकि अब मामला ईओडब्ल्यू तक पहुंच चुका है, तो मामले में कुछ नए आरोपी भी सामने आने की संभावना बन गई है। बहरहाल राजस्व विभाग एक बार फिर से अपनी जमीनों की देखरेख में लग गया है। उम्मीद है कि शहर में ऐसे कई बड़े जमीनी घोटाले सामने आते रहेंगे। चिमनगंज मंडी थाने के गोपाल परिसर के बाहर खड़ा एक ट्रक चोरी हो गया। पुलिस ने तफ्तीश के बाद आखिर इस मामले में चोरी का प्रकरण दर्ज कर लिया। दरअसल ट्रक क्रमांक MP09HG6833 को इंदिरा नगर निवासी रईस मुंशी खान ने गोपाल परिसर के बाहर 20 अक्टूबर को खड़ा किया था। 21 अक्टूबर की सुबह जब वह गोपाल परिसर में ट्रक लेने पहुंचा तो वह नदारद था। ट्रक की तलाशी करने के बाद भी जब नहीं मिला तो रईस थाने पहुंचे और चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। शहर में ड्रग्स लेने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। हाल ये है कि 2 दिन में ही पुलिस ने 17 नशेड़ी पकड़ लिए। एक साथ इतने नशेड़ी पकड़ाने के बाद पुलिस ने परिवार वालों के साथ काउंसलिंग के लिए पुलिस कंट्रोल में शिविर लगाया। शनिवार को पुलिस कंट्रोल रूम में लगे शिविर में ASP अमरिंदर सिंह के सामने परिवार वालों ने अपनी पीड़ा बताई। अलग अलग थाना क्षेत्र के रहने वाले इन नशेड़ियों के अभिभावकों ने बताया कि उनके परिजन पिछले 4 से 5 महीने से नशा कर रहे हैं। इसके वजह से परिजनों को सामाजिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये घर में रुपया नहीं देते, नशे के लिए घर से रुपया चुराते हैं। अधिकतर मामलों में यह सामने आया कि नशेड़ी दोस्तों की सोहबत के कारण ही नशा करते हैं। बहरहाल पुलिस अधिकारियों ने परिवार और नशेड़ी दोनों को समझाइश दी। पुलिस ने परिजनों से अपील की है कि ये लोग जहां से नशीला सामान खरीद रहे हैं उन लोगों की जानकारी पुलिस को दी जा सकती है। अभी कुछ दिनों से ये देखने में आप जा रहा है, खासकर जो नई युवा पीढ़ी है और बच्चे जो 15-16 साल की उम्र से लेके और लगभग 25-30 साल के बीच उम्र के लोग हैं, वो नशे की लत का शिकार हो रहे हैं। और वो सिर्फ उनका एक अज्ञानता या अशिक्षा या अपने भविष्य की उनको जानकारी ना होने के भविष्य में इसका क्या हो सकता है, तो इससे जो एक समस्या को देख के इनके परिजनों को बुलाया गया। हम ये चाहते हैं कि ये परिजन इनका एक संबल बने, इनको एक ऐसी समझाइश दे और इस नशे से दूर रहें। और हमारा जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में इनको ले जाने का एक प्रोग्राम है, तो इस तरह से जो इस नशे की जो प्रवृत्ति इनकी डेवलप हुई है उससे न सिर्फ इनके परिजनों के माध्यम से बल्कि हमारा जो चिकित्सा या इस तरह के काउंसलिंग सेंटर्स हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर हैं, इनके माध्यम से इस नशे से इनको निजात दिलाया जाए, इसे दूर रखा जाए। सर्दी ने अब अपना डेरा शहर में डाल दिया है। सुबह और शाम के समय खासी सर्दी हो रही है। शनिवार को शहर का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री दर्ज किया गया। 2 दिन पहले ही तापमान 15.5 डिग्री था। दरअसल अल सुबह और शाम के समय अच्छी सर्दी होने लगी है। हाल ये है कि खासी सर्दी पड़ने लगी है। शनिवार की सुबह लोगों ने कड़ाके की सर्दी महसूस की। सुबह के समय लोग गर्म कपड़ों से लदे नजर आए। महाकाल मंदिर क्षेत्र के सिटी लाइट होटल में ठहरे यात्रियों की जानकारी संचालक ने पुलिस थाने पर नहीं दी। जब होटल की जांच की तो उसमें यात्री ठहरे मिले, इनकी एंट्री रजिस्टर में नहीं थी। महाकाल पुलिस ने सिटी लाइट होटल के संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
नागजी उद्योगपुरी बालाजी टोलकाटे के पास 15 अगस्त पर शराब बेचने वाले दो आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। दरअसल पिंटू पिता देवीलाल और जितेंद्र रायकवार निवासी पंड्याखेड़ी 15 अगस्त को शराब बेचते हुए पकड़े गए थे। दोनों के पास से शराब की 7 पेटियां पकड़ी गई थी। दोनों बगैर लाइसेंस के 15 अगस्त को शराब बेच रहे थे। इनके खिलाफ कोर्ट में प्रकरण प्रस्तुत किया गया था। सीजेएम अभिषेक नागराज की कोर्ट ने दोनों को 1-1 साल की सजा सुनाई है। दोनों पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के लिए बागली विधानसभा में भी मतदान का दौर जारी रहा। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। लोगों में मतदान को लेकर उत्साह नजर आया। लोग उत्साह के साथ मतदान के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। बागली क्षेत्र के सभी केंद्रों पर सुबह 11 बजे तक 33% मतदान हो चुका था। कई क्षेत्रों में मतदाताओं की लंबी कतार लगनी शुरू हो गई। कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला और एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने नगर परिषद बागली के आदर्श मतदाता केंद्र का निरीक्षण किया। देखिए, सभी मतदान केंद्रों पर फ्री और फेयर मतदान हो, सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग स्वतंत्र रूप से कर सकें, इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की है कि सभी जगह मोबाइल पार्टी घूम घूम के सुरक्षा व्यवस्थाओं का, अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लें ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। यदि कोई छोटे मोटे इश्यूज आते हैं तो उनको समय रहते हुए तत्काल रिजॉल्व कर लिया जाए ताकि निर्बाध रूप से मतदान चलता रहे। खंडवा लोकसभा उप निर्वाचन में जो बागली का विधानसभा है इसमें 355 मतदान केंद्र हैं और अभी 11 बजे तक 34% वोटिंग हो चुकी है, जो कि अच्छा वोटिंग टर्नआउट है। हमारी जो स्वीप एक्टिविटी की टीम है वो भी लगी हुई है लोगों को ये प्रेरित करने के लिए कि अधिक से अधिक संख्या में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि लगभग 80% से अधिक वोटिंग बागली विधानसभा में होगी। देखिए, एक दो गाँव में इस तरह का आया था, जो कि बड़ा स्पष्ट उनको कर दिया गया है कि मतदान के दिन कोई ऐसी मांग नहीं की जाती, और इस तरह से लोग अगर कोई मांग करते हैं उनके विरुद्ध सख्त, अगर इनको प्रेरित करने वाले जो लोग हैं उनको विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ जगह से हमने लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की भी है। मनोविकास विशेष शिक्षा महाविद्यालय, जहां बीएड बौद्धिक मंदता, डीएड बौद्धिक मंदता, डीएड बधिरांधता उपलब्ध पाठ्यक्रमों के साथ शिक्षकों को तैयार किया जाता है। प्रशिक्षित प्राध्यापकों के साथ सर्व सुविधा युक्त कक्षाएं, आधुनिक लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षण, सांकेतिक भाषा कक्षाएं, जॉब प्लेसमेंट, परामर्श एवं व्यवधान रहित वातावरण उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993437330, 9827448830। हमारा पता सेक्टर 9, जवाहर नगर, उज्जैन। आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।